हेलो बच्चों, तो आज हम लोग आईएससी 2024 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी लेकर आ गए। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है अपना सेक्शन बी। जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, दैट इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसका रेडियस है आर, अ पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इमेनेटिंग फ्रॉम द स्फीयर इज एक्स। ओके, तो फाइव इज इक्वल टू एक्स। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज इफ एट ऑल व्हेन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या पता है, फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट? तो अगर रेडियस डबल हो भी जाए तब भी फ्लक्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना आंसर पहले ए का। ओके, तो रेडियस अगर डबल भी हो जाए तब भी फ्लक्स में देयर विल बी नो चेंज। सेकेंड में, चार्ज क्यू इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, मतलब यहां पर अगर मैं ऐसे दिखा दूं, सोचो ये अपना स्फीयर है, इसके अंदर ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। तो जो टोटल चार्ज हुआ क्यू नेट, दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू विच इज जीरो, इजंट इट? तो अगर क्यू नेट हो गया जीरो, तो फाई विल बी क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू नेट अगर जीरो है तो फाई विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चार्ज क्यू इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन फ्लक्स विल बी जीरो। ओके बच्चों, ये हो गया अपना पहला आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन केस ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज हाउ डज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चेंज इफ एट ऑल When charge on it is doubled and distance of the point is halved. Okay? सबसे पहले बच्चों, ये एकदम प्रॉपरली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। E इज इक्वल टू लैमडा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू आर। और हमें पता है लैमडा विच इज लाइन चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई एल। ओके, तो E इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो चार्ज ऑन इट इज डबल्ड। ओके, तो अगर मैं लैम्डा की जगह पर क्यू बाई एल बिठा दूं, तो E विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर। ओके बच्चों, अब चार्ज अगर डबल हो जाए, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच रिलेशन क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो चार्ज अगर डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी डबल्ड। तो ये मैं लिख देता, एम आई क्लियर बच्चों? और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज हाफ, डिस्टेंस मतलब ई और आर के बीच रिलेशन क्या है, तो ई एंड आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हाफ हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डबल, उल्टा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा डबल। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना सेकेंड आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? तो ये भी एकदम प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि एफ एयर बाय एफ वाटर इज इक्वल टू 81। मतलब यहां पर एज ए स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि इफ टू चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर इन एयर। ओके, एट दैट टाइम एंड इफ द सेम सिस्टम, सेम चार्ज केप्ट एट सेम डिस्टेंस केप्ट इन वॉटर। ओके, तो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वेन इट इज केप्ट इन वॉटर एंड द फोर्स वेन द टू चार्जेस केप्ट इन एयर, द फोर्स इन एयर विल बी 81 टाइम्स देन द फोर्स इन वॉटर। तो ये हम लोगों को प्रॉपरली लिखना होगा विद दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एम आई क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैन अ बॉडी बी गिवन अ चार्ज दिस मच कूलम, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो
तो सबसे पहले ये मैथमेटिकली भी हम लोग लिख सकते हैं, एज वी नो क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो यहां पर q का वैल्यू क्या है, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो देखो 10 टू दी पावर माइनस 19, 10 टू दी पावर माइनस 19 कट गया, 2.2 डिवाइडेड बाय 1.6, तो n विल बी इक्वल टू 1.375। तो n फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, तो ऐसे लिख देते हैं n फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन अ मोबाइल फोन चार्जर। ओके, तो देखो मोबाइल फोन चार्जर 220 वोल्ट से उसको कम किया जाता है। ओके बच्चों, तो दिस विल बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। एम आई क्लियर? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं बच्चों, हाई परमेबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, सो द कोर विल डिमैग्नेटाइज एज सून एज द करंट इज स्टॉप। तो ये अगर हम लोग लिख देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। ओके, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव। ओके, अब क्यों ये दोनों आंसर मैंने चूज किया है, ये मैं तुम लोगों को एक डायग्राम से दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर यह है माइक्रोवेव का रेंज और यह है इंफ्रारेड वेव का रेंज। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर है 10 टू द पावर 10, यहां पर है 10 टू द पावर 12, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं पर 10 टू द पावर 11 होगा। तो ये जो 10 टू द पावर 11 है ये माइक्रोवेव में भी होगा, और यहां पर अगर 10 टू द पावर 12 है तो ऑब्वियसली उसके पिछले वाले में, मतलब उसके जस्ट पहले यहां पर इस जगह पर ऑब्वियसली 10 टू द पावर 11 का कोई पावर होगा, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग माइक्रोवेव और इंफ्रारेड इन दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। आई एम क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इन वैक्यूम। तो देखो रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऑब्वियसली इट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वही एक रेडियो वेव का भी स्पीड होगा। एम आई क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ लेबल ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट विथ डिफ्रैक्टिंग एंगल इन अ सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं तुम लोगों को। तो देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है ये हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज द इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्रैक्टिंग एंगल ग्राफ। ओके, तो ऑब्वियसली पीवाईक्यूज में ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी दिखाया है। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फिगर 1 बिलो इज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्टडी द ट्रांजिशंस शोन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टेट द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। ओके बच्चों, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यूज में भी किया है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं तुम लोगों को कि अगर यहां पर देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है, इजंट इट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट के ऑर्बिट से, मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इजंट इट? तो अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, इजंट इट? एनर्जी एमिट करेगा, तो हम लोगों को कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके बच्चों, समझ में आया? तो यहां से ही एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को कि अगर जो रे होता वो अगर ऐसा रे होता, अगर वो ऐसा होता या ऐसा होता, ऐसा होता, ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जा रहा है, इजंट इट? तो अगर आउटर ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको फोटॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इजंट इट? तो वो हो जाता एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये मैं एक चीज बता दिया कि अगले साल अगर ऐसा आए, ओके,
तो वो चीज हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। तो दिस आंसर विल बी एमिशन स्पेक्ट्रम, ये दिमाग में रख देना बच्चों। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेम द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। ओके, तो देखो यहां पर बाकी एन इज इक्वल टू 4 से एन इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, 3 से भी 2 में आ रहा है, तो मतलब पहला अगर 1 में आता तो वो होता लाइमन सीरीज, अगर 2 में आ रहा है तो दैट विल बी बामार सीरीज, तो दिस विल बी बामार सीरीज। यहां पर मैं लिख देता हूं, तो दिस इज बामार सीरीज। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसका ये, और इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेट द यूज ऑफ फॉलोइंग ग्राफाइट ग्राफाइट रॉड एंड कैडमियम रॉड। तो ऑब्वियसली बच्चों ये तो पीवाईक्यूज में एकदम प्रॉपरली बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो फिर से मैं अलग से नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। ओके, एकदम ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू अ सेमीकंडक्टर डायोड डिफाइन द फॉलोइंग। तो अगेन डेफिनेशन, तो डिप्लेशन रीजियन एंड पोटेंशियल बैरियर, इन दोनों का डेफिनेशन हम लोगों को बोलना पड़ेगा जो भी पीवाईक्यूज में बहुत बार आ चुका है। और हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में जब सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे वहां पर मैं प्रॉपरली तुम लोगों को बताया है ये चीज। ओके ना, तो यहां से ही अपना जो सेक्शन बी है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के साथ मिलूंगा विथ सेक्शन सी। क्लियर बच्चों? थैंक यू।